नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से निकलता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बेहतर भला कौन समझ सकता है। 2014 में बीजेपी इसी रास्ते को फतेह करके सत्ता के शिखर पर पहुंची थी, और वो भी बंपर बहुमत के साथ। 2019 में जीत दोहराने के लिए लखनऊ में आरएसएस बीजेपी संगठन और योगी सरकार का मंथन बताता है कि दोबारा सत्ता में आने के लिए यूपी जीतना कितना अहम है। पिछली बार ना तो केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी और ना ही यूपी में। मोदी लहर ने न सिर्फ यूपीए को सत्ता से उखाड़ फेंका, बल्कि तमाम राज्यों में भी भगवा परचम लहराया। लेकिन आज के दौर में हालात बदल चुके हैं। केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सत्ता है। जाहिर है 2019 में जनता कामकाज का हिसाब मांगेगी। तब का बिखरा विपक्ष अब एकजुट होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी के सामने तमाम सारी चुनौतियां हैं, जिनसे निपटे बिना मिशन 2019 की बात करें तो फिलहाल 272 सीटों का, जो इसका प्लस का अगर बात करें तो पूरा प्लान नहीं होने वाला। 272 मिशन कैसे कामयाब होगा। लेकिन जो 6 घंटे से भी ज्यादा जो बैठक चली, जो मंथन चला, उसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे वो संघ और संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के, चाहे वो राम मंदिर मुद्दा हो, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। इतना ही नहीं, संगठन में किस तरीके से शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव आ सकता है, जैसे कि कयास शुरुआत से ही लगाए जा रहे थे। तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगी जरा अश्विनी से कहूंगा कि जरा ग्राफिक्स के जरिए जरा बीजेपी के सामने जो इस वक्त जो चुनौतियां हैं वो दिखाएं जरा, ताकि हमारे दर्शक देखें और आए हुए मेहमान भी, ताकि हम उस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, राम मंदिर को लेकर संघ और सहयोगी दलों का बढ़ता दबाव, सपा बसपा के संभावित महागठबंधन की काट खोजना, 2014 की तरह दलित और पिछड़ों का भरोसा जीतना, SC ST एक्ट को लेकर सवर्णों की नाराजगी दूर करना, साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाए, इसके अलावा जो दलित और पिछड़े जो हैं उनको लेकर के, साथ ही साथ सवर्णों की भी जो नाराजगी अब जो है SC ST एक्ट को लेकर के वो भी बढ़ती जा रही है, तो कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने, जिस पर लगातार मंथन चला। मंथन से क्या कुछ निकला, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। खास करके अगर बात करें 2019 के परिपेक्ष में, तो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बीजेपी की चुनौतियां हैं जो ग्राफिक्स के जरिए बताई। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से निकलता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बेहतर भला ये कौन समझ सकता है। तो बीजेपी की जो बड़ी चुनौतियां हैं, तो सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार चुनाव से पहले जो चिंतन हुआ था, बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद की जो तस्वीरें हैं ये सीधी लाइव टुडे पर आप देख सकते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी बैठे हुए हैं और अब 6 घंटे से ज्यादा की इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। और सवाल यही है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पर दबाव बना जा रहा है, चाहे वो विपक्ष की बात करें, चाहे वो संघ की बात करें। जब और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो एक संघ और बात करें RSS बीजेपी संगठन और योगी सरकार, इनका मंथन हुआ और दोबारा सत्ता में आने के लिए यूपी जीतना कितना अहम है। तो यूपी जीतना कितना अहम है, और केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी और ना ही यूपी में। पिछली बार अगर मोदी लहर ने ना सिर्फ यूपीए को सत्ता से उखाड़ फेंका, बल्कि तमाम राज्यों में अपना भगवा परचम लहराया, तो ये सारी की सारी कवायद जो है ये 2019 के लिए, क्योंकि 2014 में हालात दूसरे थे, 2014 में परिस्थितियां और थी, लेकिन 2019 के परिपेक्ष में अगर बात करें तो स्थितियां बदल चुकी हैं। दलितों की नाराजगी भी साफ तौर पर सामने आ रही है। तो इन तमाम सारी चीजों का जिक्र करें, राम मंदिर को लेकर संघ और सहयोगी दलों का बढ़ता दबाव, सपा बसपा के संभावित महागठबंधन की काट खोजना, बड़ी चुनौती 2014 की तरह दलित और पिछड़ों का भरोसा जीतना, यह भी एक बड़ी चुनौतियों में से एक है, SC ST एक्ट को लेकर के सवर्णों की नाराजगी जो है वो कैसे दूर होगी, इस पर भी मंथन।
नेतृत्व में बदलाव, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और बड़ी बात यह कि केंद्र की योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, क्योंकि जो नीतियां हैं सरकार की वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है? ये तमाम सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर मंथन हुआ, और चुनाव से पहले मंथन। तो बीजेपी का मिशन 272 प्लस का सपना कैसे साकार होगा? फिलहाल मंथन चल रहा है, और इसमें क्या कुछ चुनौतियां बीजेपी के सामने हैं, क्या कुछ किस तरीके से आगे बदलाव हो सकता, खास करके 2019 के तहत। फिलहाल आए हुए मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से अब बदलाव इसमें संभव है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर विजय खेड़ा जी हैं। विजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दलित चिंतक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ संघ विचारक अशोक सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो आज जो हमारा सवाल जो है वो सबसे पहले मैं डॉक्टर विजय खेड़ा से ही चाहूँगा। विजय जी, बात करें, आनंदी वाटर पार्क में मंथन चल रहा था, लेकिन वहाँ तो मैंने सुना था वहाँ पे लोग मौज मस्ती करते हैं, मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये भी पता लग गया कि वहाँ पर आत्मचिंतन भी होता है, महामंथन भी होता है। खैर, सीरियस टॉपिक पर आते हैं। 2014 में बीजेपी इसी रास्ते को फतेह करके सत्ता के शिखर पर पहुंची थी, और वो भी बंपर बहुमत के साथ। और 2019 में जीत दोहराने के लिए लखनऊ में आरएसएस, बीजेपी संगठन और योगी सरकार का मंथन बताता है कि दोबारा सत्ता में आने के लिए यूपी जीतना कितना अहम है, क्योंकि चुनौतियां काफी कठिन है आपके सामने। यूपी जीतना अहम तो है ही है, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है, और यहाँ पर 80 से अधिक करीब करीब लोकसभा की सीटें आती हैं, ये सत्य है। और यूपी जीतने के लिए आप जो सोच रहे हैं, ये मंथन पूरे राष्ट्र के लिए है, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से है। और योगी जी के रहते हुए हमको उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। एक बात अभी आप कह रहे थे कि विकास की नीतियाँ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, ये शायद, लेकिन विकास की नीतियाँ लोगों तक, विकास ही पहुंच गया है तो नीतियां पहुंचाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गांव-गांव में विकास हुआ वो लोगों तक पहुंच गया है, जो गरीबों की मदद थी वो पहुंच गई है, जो तो पहले, इसका मतलब तो फिर केड़ा जी फिर विकास मुद्दा ही नहीं रहेगा आगामी चुनाव, जब विकास हो गया, लोगों तक पहुंच गया। सर, विकास विकास ही मुद्दा है, विकास ही मुद्दा है, मंदिर मुद्दा नहीं है। हमारे मंदिर मुद्दा तो दूसरों के लिए है, जो लोग जबरदस्ती उसको मुद्दा बना रहे हैं। हमारे लिए विकास ही मुद्दा है, विकास किया है। जो जो वादे बीजेपी ने घोषणा पत्र में किए थे उनमें से लगभग लगभग बहुत सारे पूरे हो चुके हैं, जहां तक विकास का सवाल है। अच्छा, और विकास के लिए हमने गांव, किसान और गरीब की बात की थी, तो गांव में बिजली हो गई। आज पूरे के पूरे हिंदुस्तान भर का हर गांव आज इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। गांव-गांव में शौचालय पहुंचा दिए गए हैं, मकान बना दिए गए हैं, करोड़ों में शौचालय बन गए हैं, ग्राम में सड़कें बन गई हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, घर घर में गरीबों के यहाँ गैस पहुंची हुई है। तो विकास का जहां तक सवाल है, विकास की तो आंधी चली है। लगभग 2,00,000 किलोमीटर हाईवे पूरी होने वाली है, चुनाव से पहले तक पूरी हो जाएगी, वो सामने दिखाई दे रही है। तो विकास के लिए हमको ज्यादा नीति पहुंचाना खाली बताने की आवश्यकता है, लेकिन लोगों तक ये विकास पहुंच चुकी है, जनता तक पहुंच गया, और थोड़ा बहुत और पहुंचना बाकी है। इसका एक प्रमाण और है सर, बस एक प्रमाण और है। अभी आप जो कह रहे थे कि सारी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, ये अपने आप में प्रमाण है कि सारी पार्टियों में कितना डर समाया हुआ है। हर पार्टी इकट्ठा होने के लिए तैयार है, गठबंधन खाली भारतीय जनता पार्टी के पीछे। मुझे तो लग रहा है कि सारी पार्टियों के डर से आप लोग अब मंथन में जुटे हुए हैं, डर, मुझे तो ये लग रहा है। मंथन करने हैं साहब जी, हमें तो मंथन करनी है। हमने क्या किया, क्या रह गया, वो तो मंथन करेंगे ही करेंगे। अमित शाह जी जब से आए हैं वो लगातार मंथन करते ही हैं, 2 महीने में 3 महीने में अपने वर्कर से सलाह लेते हैं। मैं अशोक सिन्हा जी के पास आ रहा हूं। अशोक सिन्हा जी, इस बैठक को लेकर के जो मंथन हुआ, संघ को लेकर के अगर बात करें, संघ की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही कि सरकार और संगठन के बीच कुछ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ की एक रूटीन बैठक थी, इसे हम समन्वय बैठक कहते हैं,
और इस बैठक में मुख्य रूप से जो समसामयिक मुद्दे होते हैं जी, उन पर नियमित बैठक मतलब दो महीने पर के अंतराल पर यह बैठक होकर के हम उस पर चर्चा करते हैं। इस समय वर्तमान में कुंभ है और 5 वैचारिक कुंभ लग रहे हैं, तो इन सब पर चर्चा हुई होगी। मैं उस बैठक में आमंत्रित नहीं था, इस कारण से उसकी बैठक में क्या क्या निर्णय हुए मैं इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता, मगर जो मैं बता रहा हूं कि अब चूंकि अमित शाह भी आए थे तो निश्चित रूप से राजनीति पर भी चर्चा हुई होगी। और मुख्य प्रश्न यही होगा कि मालिक जनता है और जनता सबके रिपोर्ट कार्ड को देखती है, अगर जनता संतुष्ट है या जनता चाहती है कि एक मौका और बीजेपी को मिलना चाहिए तो वो देगी, और अगर जनता असंतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से दोनों लोगों को डरने की बात है। विपक्ष भी डर रहा है क्योंकि उसने पहले कुछ काम नहीं किया था, वर्तमान के दल को भी अपनी एक परीक्षा से होकर गुजरना है, तो डर तो दोनों लोगों के बीच में होना चाहिए। समाज सबसे आगे है और समाज ही को प्रसन्न कर रखना है सबको, और समाज को प्रसन्न रखना है तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, दोनों समस्याओं को समान रूप से, भूखे भजन न होए गोपाला, हमने जहां पर यह कहा है कि भगवान का भजन भूखे होकर पेट से नहीं किया जा सकता, परंतु गोपाल को भी हमने महत्व दिया है क्योंकि बिना उसके हम पशु बन जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन धर्म ही अलग करता है सबको, तो सब दृष्टियों से एक विचार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता अंदर खाने से पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें आ रही कि नाराजगी लगातार आपकी सरकार से और संगठन से है। अगर समाज की नाराजगी है तो संघ की नाराजगी है जी, और संघ की नाराजगी है तो निश्चित रूप से इस बैठक में उस नाराजगी को प्रकट किया गया होगा, और निश्चित रूप से यह कहा गया होगा कि ये इन क्षेत्रों में कमियां हैं, इसे आप दूर करें, क्योंकि हम भी संघ के स्वयंसेवक को यह कहा जाता है कि आप किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, वो उसके लिए बंधन नहीं है कि किसी एक पार्टी को वोट देगा, जो भी राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ेगा, जो भी जिसके कदम राष्ट्र के समुन्नत होने की दिशा में चल रहे हैं हम उसके साथ हैं, तो इसलिए, और राम मंदिर के बारे में भी हम कहते हैं जो राम मंदिर बनाएगा हम उसके साथ हैं, तो इसलिए यह सभी पार्टियों के लिए चिंतन का विषय है। संघ एक पक्ष नहीं है, संघ समन्वयकारी संगठन है, इस कारण से सबको लेकर चलने वाला संगठन है और वो वही कार्य करता है। वही है सवाल कि सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन आखिर किस बात को लेकर के नाराज हो गया है सरकार से, इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन हुआ। मैं डॉक्टर राजेंद्र जी के पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी, पिछली बार ना तो केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी और ना ही यूपी में, मोदी लहर ने ना सिर्फ यूपीए को सत्ता से उखाड़ फेंका बल्कि तमाम राज्यों में भी भगवा परचम लहराने लगा, लेकिन आज के दौर में हालात बदले हुए और केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सत्ता है और 2019 में जनता कामकाज का हिसाब जरूर मांगेगी। बिल्कुल, आप आलोक जी सही कह रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, और जैसा कि हमारे संघ विचारक सिन्हा साहब ने बोला कि समाज सब कुछ देखता है, समाज देख रहा है, बैठक जो चल रही है चाहे उसको आप पॉजिटिव कह लीजिए चाहे निगेटिव कह दीजिए, संघ बोल रहा है कि राम मंदिर मुद्दा है, बीजेपी के वो लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है। ठीक है, अभी तक आप इतिहास देखेंगे तो राम मंदिर का हुआ क्या, राम मंदिर इनके लिए मुद्दा रहा कि नहीं रहा, दलित इनके लिए थे मुद्दे थे कि नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे, या सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इनका है कि किसी प्रकार से राजनीतिक सत्ता पुनः प्राप्त करके जो इस देश के जो प्रतिष्ठित धन्ना सेठ हैं उनको फिर दोबारा लाभ पहुंचाने के लिए ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई भय नहीं है, जब विकास घर घर पहुंच गया है, अरे घर घर जब विकास पहुंच ही गया है तो आपको किस चीज का जनता, किस चीज का डर, जनता सब कुछ बता देती है। सपा बसपा के गठबंधन को लेकर आप इतना जो भयभीत हो रहे हैं, ये आपका भयभीत अपना जो भय है उसको छिपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं क्या जी? आपको अच्छी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में क्या होने जा रहा है, 2019 इस देश की दिशा तय करेगा जी, और देश की दिशा में मैंने कहा कि 2019 का पिछड़ा और अल्पसंख्यक तय करेगा अब आगे राजनीति की, क्योंकि बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने भी और इसी को लेकर के शायद मंथन चल रहा है। हम लाइव टुडे के न्यूज रूम चलेंगे जहां वरिष्ठ पत्रकार अनिल के अंकुर जी हमारे साथ हैं। अनिल जी,
सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, लेकिन मंथन वहां ना होने के बजाय अब यूपी में है, क्योंकि यूपी में सरकार और संगठन के बीच, सरकार और संघ के बीच कोई बहुत ज्यादा अच्छा सामंजस्य या यूं कहें कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, जिसको दुरुस्त करने की वाकई में जरूरत थी, सबसे पहली प्राथमिकता थी सरकार की। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति है उस संगठन और सरकार के बीच में बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, दोनों एक दूसरे के दुर्विरोधी होते जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है, संगठन जब सरकार बनती है तो उसकी तमाम अपेक्षा, संगठन से जुड़े हुए लोगों की तमाम अपेक्षाएं सरकार से हो जाती हैं, और जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो संगठन नाराज हो जाता है, और वही स्थिति कमोवेश यहाँ पर बन रही है। जो आज मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो शहर के बाहर एक अरंदी पार्क में हो रहा है, और उस कार्यक्रम के को लेकर के मीडिया से दूरियां बनाई गई, मीडिया को प्रवेश काफ़ी देर वर्जित रखा गया, और ये सारी तमाम बातें देखते हुए लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि जो वहाँ हो रहा है वो जनता के पास ना जाए, मीडिया को ना मालूम पड़े, वे लोग अपने हिसाब से जो बताएं वही मीडिया जाने, और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अंदर की नाराजगी बाहर ना आने पाए, बाहर आएगी तो नाराजगी और फैलेगी और उसका बात का बतंगा बनेगा। इसलिए वो लोग, भाजपा के जो बड़े नेता हैं संगठन, वो जानते हैं कि नाराजगी कितनी ज़्यादा है, इवन लगभग तमाम पदाधिकारियों MLAs सरकार से ये सब नाराज, इतनी बड़ी फेरिस्त है। लखनऊ के एक विधायक हैं, वो कई बार खुले मंच पे कह चुके हैं कि सरकार मेरी नहीं सुनती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं। हाँ। तो अब ऐसी स्थिति जो विधायक, जब भाजपा के जो चार चार पांच पांच बार के MLA की बात कर रहे हो, तो संगठन का आम कार्यकर्ता क्या हालत होगा, आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है, उसी पे आज मंथन हुआ होगा। अब ये 2019 को लेकर के इनका जो मंथन है कितना कारगर होगा, जबकि आपने जैसा कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो, वहां को छोड़ करके यहाँ आना, क्योंकि वहां की स्थितियां देख चुके हैं क्या होने वाला है, इसका आकलन उनको आमतौर पर मालूम है। इसीलिए अब जो स्थिति जहाँ पे सुधार सकते हैं वहां पे सुधारने के लिए बल है कि अब वहां पे जो होना हो चुकेगा हो जाएगा अब, लेकिन यहाँ पे जो हम कैसे यहाँ पे अपनी जमीन को कैसे बचाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए और विधायकों की संख्या तो इतनी असीम है कि विधायक, आम भाजपा का विधायक परेशान है कि इतने विधायक जीत गए, इससे उनकी वैल्यू खत्म हो गई, कम विधायक होते हैं वैल्यू बढ़ती है, लेकिन अब यहाँ पे इतने ज्यादा बढ़ गए उनकी वैल्यू कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा एक मुद्दा है, एक एक कारण है कि यूपी की धरती में भाजपा को कैसे बचाया जाए, और उसको अब बार बार बात है भाजपा को कैसे बचाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं अब बड़ी चुनौती, क्योंकि हालात अब स्थितियां 2014 के बाद से लगातार बदलती नजर आ रही हैं, और इसलिए बीजेपी को कुछ ज्यादा ही चिंता, शायद इसीलिए मंथन भी आज हुआ। लेकिन उस मंथन में तमाम सारी चीजों का जिक्र हुआ, जिसमें एक अहम सवाल का जवाब मैं डॉक्टर विजय जी से लेना चाहूंगा। विजय जी, संघ ने जो बैठक हुई उसमें अमित शाह को राम मंदिर का वादा याद दिलाया अमित शाह ने, और कहा, संघ ने कहा कि राम मंदिर को भूल तो चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और संघ ने राम मंदिर पर ठोस रणनीति बनाने के लिए कहा है, हिंदुत्व का एजेंडा साफ तौर पर याद दिलाया। तो क्या समझा जाए कि हिंदुत्व का एजेंडा ही 2019 में रहेगा या विकास रहेगा? आप तो कह रहे थे विकास रहेगा सर। हाँ, हमारा जो घोषणा पत्र था, हाँ, उसमें विकास भी था, सबका साथ भी था, सबका विकास भी था, राम मंदिर भी था। राम मंदिर हमारे लिए घोषणा में था, RSS भी चाहता है, संत भी चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है राम मंदिर। और राम मंदिर के निर्माण के मामले में खाली एक निर्माण प्रक्रिया नहीं है कि हमने उठाया और मंदिर बना दिया, इस निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया थी, एक राजनीतिक माहौल बनाना, एक राष्ट्रीय माहौल बनाना, एक अल्पसंख्यकों को कोशिश करना कि वो हमारे साथ चले। इस मामले में हमने कम से कम नहीं तो क्या लंबी प्रक्रिया, जब SC ST एक्ट को लेकर के आप लोग अध्यादेश ले आते हैं तो इसको भी ले आइए, कितनी संतों की नाराजगी है जी। हाँ, विपक्ष भी आते हैं। तो अगर ये मामला, जब राम मंदिर का जुड़ा हुआ मामला था, इसमें ये प्रयास किए गए, सबसे पहले आप सुनिए राजनीतिक माहौल था। आज राजनीतिक माहौल जो पहले इतना बिगड़ा हुआ था, जब मंदिर की बात आती थी तो सापा ने तो खैर यहाँ तक गई थे अपने शासन में, पिटवाया, लाठी चलाई, मराया, छोड़ दीजिए। मैं कांग्रेस की बात आती थी, ये कोई भी आदमी मंदिर की बात आते खिलाफत करते थे राम मंदिर वहां बनने की, आज तक किसी ने सहमति नहीं की। आज अगर इनमें हिम्मत, अब बगावत कम हो रही है, अब अगर इनमें हिम्मत है, अब हिम्मत है तो बोलें।
बोले कि वहां मंदिर नहीं बनने देंगे हम, अब बोले ना नहीं बोलेंगे तब तो आप ही लोग, आप ही लोग कह देते हैं कोर्ट का मामला है। हमने सर ये हमने ऐसा राजनीतिक माहौल पैदा कर दिया है कि आज राजनीतिक हर पार्टी ये कह रही है कि ठीक है मंदिर के मामले में अब कोई नाराज नहीं, ये माहौल क्रिएट करना मामूली बात नहीं है। आज शिवसेना ने तो खुल के ही कहा है, लेकिन आप लोग तो इस बात पे बोल ही नहीं रहे ना सर कुछ भी। नंबर दो, अल्पसंख्यकों में से भी सिया आज पूरे के पूरे मुसलमान चाहते हैं कि वहां मंदिर बने, और सुन्नी में से अधिकांश लोग चाहने लगे हैं, कईयों के स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। तो सर ये माहौल जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस बीच में हमने इतना माहौल तैयार कर लिया है, तो 70% मैं समझता हूँ कि हमको डॉक्टर राजेंद्र जी राम कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है और सरकार चुप्पी साध लेती इस पूरे मामले को लेकर के, जबकि आपसी सहमति का भी रास्ता सुझाया गया था राम मंदिर मुद्दे को लेकर के। डॉक्टर राजेंद्र जी, हाँ जी, इनको देखिए कोर्ट तो सहारा है और सहारा लिया गया है। अब अभी इन्होंने कहा है कि राम मंदिर हमारे घोषणा पत्र में था, आपके घोषणा पत्र को देखते हुए देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत दिया, इसके बाद 4.5 साल में आपका राम मंदिर कहाँ गया, क्यों नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात, जब इलेक्शन सर पे है तब फिर आप सांप्रदायिकीकरण करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू भी तैयार हैं मुस्लिम भी तैयार हैं, आपका राम मंदिर जिस दिन बन गया, राम मंदिर बन गया, उस दिन आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और सिर्फ इसलिए राम मंदिर को बार बार भुनाना चाहते हैं। इनका पूरा एजेंडा ही नहीं है राम मंदिर बनाना, केवल भावनाएं भड़काना इनका एजेंडा है, किसी तरह से सांप्रदायिकता समाज में फैले, वैमनस्य फैले, लोग आपस में लड़े, वोट का पोलराइजेशन हो और ये सत्ता हासिल करें, बस केवल और केवल यही इनका। चलिए ये आपका अपना सोच हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है, मैं अशोक जी के पास आऊंगा। अशोक जी, राम मंदिर को लेकर के अब अगर बात करें, अभी तक तो विपक्ष निशाना साधता था और इस बीच, लेकिन अगर बात करें तो अब संघ भी कहीं ना कहीं मुखर हो उठा है, और संघ के साथ साथ विपक्ष के साथ साथ संतों की नाराजगी भी अब साफ तौर पर, या यूं कहें कि ये मांग अब जोर पकड़ती नजर आ रही है, लेकिन सरकार है कि सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे इस पूरे मामले को लेकर के। भले ही साक्षी महाराज जैसे लोग बयान दे दे कि दीपावली के बाद बन जाएगा, 2019 से पहले, चुनाव से पहले बन जाएगा, सुब्रमण्यम जैसे लोग तारीख तक बता देते हैं। देखिए संघ अपने स्थापना काल 1925 से ही इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि राष्ट्रीय अस्मिता के जितने प्रश्न हैं उन्हें हल हो जाना चाहिए, और उसके लिए वो तमाम ऐसे कार्य किए भी गए हैं। संघ ने अपने प्रयत्न कभी नहीं छोड़ा है और संघ चुनाव नहीं देखता, पहली बात। प्रभु रामचंद्र जी के भी जीवन में ऐसा संकट आया था, उन्होंने बाली को मार के सुग्रीव को राजा बना दिया था, मगर वो बाली बहुत दिनों तक सुग्रीव जो है वो आराम करने लगे थे, बाद में स्मरण कराना पड़ा उनको कि देखिए आप सीता जी के खोज में लगिए, तो उनको लिए लक्ष्मण और हनुमान जी को भेजना पड़ा। तो देखिए ये राम मंदिर का जो प्रकरण है वो राजनीति से संबंधित नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है और यह सभी भारतीयों की चिंता है, इसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, इस भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए चिंतित है कि राम मंदिर बने, और मैं बता दूं आते यथाशीघ्र बनेगा, सहमति बन रही है और कोर्ट की भी स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जहां रामलला विराजमान है और वहां मंदिर है वह भव्य मंदिर यथाशीघ्र बनना शुरू होगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है, और मैं बता रहा हूं मैं इन्हीं आंखों से देख करके उस मंदिर में पूजा करके तब मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा मैं जी। तो यह जो विश्वास है इसको जरूर पूरा होगा। हाँ, राजनीतिक स्तर पर अभी विजयादशमी के दिन मोहन भागवत जी ने कहा है कि अगर राजनीति नहीं होती रामचंद्र जी के कार्य में, मंदिर निर्माण में, तो मंदिर कब का बन गया होता। राजनीतिज्ञों ने इसे रोका है और इसको डिले किया है, और डिले टैक्टिस किसने किया है, कोर्ट में कौन गया कि नहीं इसको 19 के बाद सुना जाए, किसने कहा कि राम है ही नहीं है, ये सारे प्रकरण आ चुके हैं और हम लोग अब ऊब चुके हैं कि राजनीति अब इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं अदा करने वाली है, समाज को खड़ा होना पड़ेगा। अंकुर जी, राजनीति की बात करें तो कोर्ट ने जब आपसी सहमति का रास्ता दिखाया, एक विकल्प दिया, उससे भी बात नहीं बनी, बीजेपी के सांसद बीजेपी के विधायक लगातार तारीख पे तारीख बताते हैं, लेकिन अब चुनाव के पहले, खास करके मैं अगर टाइमिंग्स को लेकर के बात करूं तो एक बार ये मुद्दा फिर मुखर हो उठा है, चाहे वो संघ की तरफ से हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हो, शिवसेना हो, विपक्ष हो, या फिर संतों ने भी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की, तो इसके चलते अब लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, जैसा कि सर ने भी कहा, सबने यहां पर बैठे हुए आए हुए मेहमानों ने, कि मंदिर जरूर बनेगा, आस्था है सबकी बनेगा जरूर, लेकिन सवाल यह कि किसके कहने पे बनेगा, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार है या फिर सरकार अध्यादेश लाएगी।
आलोक जी, आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इतना ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर की इंतहा तब हो गई जब जो मामला कोर्ट में है और इस मामले को कोर्ट में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले गोरखपुर के कार्यक्रम में इस बात का ऐलान कर दिया कि मंदिर निर्माण के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे। मतलब जब मामला कोर्ट में है तो मुख्यमंत्री कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि आप मंदिर निर्माण के लिए तैयार हैं, यानी कि मंदिर निर्माण की तारीख आपने तय कर ली है, आपने सोच लिया कि मंदिर निर्माण इस तारीख शुरू करा देंगे, कोर्ट के विपरीत करा देंगे, क्या मतलब था? मैं समझ नहीं पाया मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया और गोरखपुर में बहुत प्राथमिकता से सारे समाचार पत्रों में आया भी था ये बयान। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या दबाव है मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश ये बयान जारी किया, और ये भी इस बात को साबित करता है कहीं ना कहीं संगठन से संघ से मतलब इनके ऊपर दबाव था जिसके कारण इनको दबाव ये इनको बयान देना पड़ गया। अदरवाइज जो चीज पहले से और बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मिलते हैं, आशीर्वाद उनका लेते हैं, और उस वक्त भी जब राम मंदिर को लेकर के पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो इस सवाल का जवाब किस तरीके से देते हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कहीं ना कहीं डाल दिया कि कांग्रेस की वजह से मामला फंसा हुआ। फिलहाल मंदिर को लेकर के और आपसी गुटबाजी को लेकर के, अंदरूनी गुटबाजी को लेकर तमाम सारी चीजों पर मंथन हुआ, लेकिन सरसंघ मुख्य वाहक जो हैं, जो नंबर 2 की जो हैसियत रखते हैं, पार्टी में एक अहम स्थान रखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा एक बयान पहले सुनिए। सामाजिक परिस्थितियों पर हम लोग विचार करते हैं, तो जहाँ जहाँ जो जो विचार हमारे कार्यकर्ताओं को अपने काम करते समय मिलते हैं उनको लेकर के हम 1-6 महीने बाद लगभग एक बार इकट्ठे आते हैं। आज उत्तर प्रदेश के हमारे 40 संगठनों में काम करने वाले हमारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हुए थे, और ये हमारी बड़ी रेगुलर नियमित बैठक है जो समय समय पर होती है, और उसके बारे में चर्चा करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं, भाजपा के लोग भी आते हैं। तो कृष्ण गोपाल साहब का साफ तौर पर कहना ये एक नियमित बैठक है। अशोक जी के पास आऊंगा, अशोक जी आपसे एक सवाल का जवाब, बहुत छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन नियमित बैठक जैसा कि उन्होंने भी कहा और आपने भी कहा कि एक नियमित बैठक है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं कि सरकार अपना काम करे, संगठन अपना काम करे। देखिए चुनाव है तो कयास तो लगाए जाएंगे जी, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, ये सारी बातें होती है, मगर मैंने पहले ही कहा था ये रूटीन बैठक है और यह प्रत्येक 2 महीने के अंतराल पर क्षेत्र स्तर पर होती है और बड़े स्तर पर भी हर 6 महीने पर होती है एक बार, तो ये बैठक कोई ऐसा नहीं, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, इसमें सब कुछ जी आश्चर्यजनक तो देखिए हमारा काम तो सवाल पूछना और सवाल उठाना, हम तो सवाल पूछेंगे। मुझे लगा कि आजकल मंथन होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में मंथन होना चाहिए, राजस्थान में मंथन होना चाहिए, मध्य प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, शायद इसलिए बैठक की जरूरत पड़ गई। मेहमान बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, बड़ी बहस जारी है। चुनाव से पहले चिंतन, केंद्र की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, ऐसे में अमित शाह की इस बैठक में 80 लोकसभा सीट वाले प्रदेश को हाथ से नहीं जाने देने के लिए खास योजना पर फोकस है। इस बैठक में संघ और सरकार के कई बड़े चेहरे, यूपी में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, इसके अलावा सरकार में काबिज कुछ चेहरों को दोबारा संगठन में भेजने पर भी मंथन हुआ। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और संघ की इस समन्वय बैठक को चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डॉक्टर विजय जी, वाकई में अगर बात करें तो अब जो मनमुटाव चल रहा था, चाहे वो राजभर साहब जैसे लोग ले लें, अंदरूनी गुटबाजी की बात करें, चाहे वो अगर बात करें संघ से रिश्तों को लेकर के, चाहे वो विकास की बात करें, और सबसे बड़ी बात कि आम जनता में काफी नाराजगी थी, इन सब को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई कहीं ना कहीं, और ये बहुत ही लग रहा था जरूरी था, तभी 3 राज्यों में जो चुनाव बीजेपी शासित राज्यों में, उससे ज्यादा यहां पर जरूरी लगा। देखिए संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई मनमुटाव न था न है जी। बाकी रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
अपने सजेशन देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र संस्था है वो, अभी बताया भी था अशोक जी ने अगर आपको ध्यान हो। और मोहन भागवत जी बहुत बुद्धिमान, बहुत विचारक और चिंतक हैं वो, उनका सुझाव, उनकी सलाह चाहे कोई भी सरकार होती हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या किसी और सरकार होती, उसके लिए भी उनका सुझाव बड़ा महत्वपूर्ण होता। विजय जी, आप लोग माने इसलिए या ना माने, संघ को लेकर के हमेशा आप लोग कहते हैं कि, लेकिन संघ की दखल अंदाजी पूरी तरीके से है। और अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि संघ ने एक सर्वे कराया था जिसमें तक कि सांसदों और विधायकों के काम काज से जनता खुश नहीं है, और आप लोग इस तरीके से दोनों को अलग अलग कर देते हैं। दखल, श्रीमान जी, दखलंदाजी सही शब्द नहीं है। जी जी, दखलंदाजी नहीं है जी, बिल्कुल मिलके काम करते हैं और संघ अपने सुझाव देते रहते हैं समय समय पर। जान के ये शब्द इस्तेमाल किया इसलिए कि बीजेपी की जो मंत्री है अनुपमा जायसवाल जी, और वो, ये तो एक नाम है, वो अपने कार्य का लेखा जोखा संघ को देती है, इसलिए मैंने दखल अंदाजी का इस्तेमाल किया। सर, संघ संघ अपने सुझाव देता है जी, और उनको बड़ी गंभीरता से उन पर विचार किया जाता है जी, और सुझाव होता है उन सुझाव को माना जाता है। इंटरफेरेंस है पार्टी में, संघ संघ भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, और संघ की बात भारतीय जनता पार्टी कभी टालती भी नहीं है, हमेशा उस पर गंभीरता से, जी हाँ, हमेशा उस पर गंभीरता से विचार हमेशा ही किया जाता है, इसलिए वो बात नहीं आ रहा चिंतन का। और जिन तो बातों पर सहमति नहीं बनी सर, तो संघ ने भी नाराजगी दिखा दी, और जिसकी परिणति ये सर, ये आवश्यक कभी भी नहीं है कि दो लोगों में 100% सहमति बने, ये कभी कहीं नहीं हो सकता है, न हुआ है आज तक। और रहा चिंतन का सवाल, तो ये चिंतन इस समय जब चुनाव हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में कैसे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कैसे हो जाएगा, वहां तो चुनाव से पहले जो प्रक्रिया थी उस पर सब पे विचार हो चुका है। अब तो जाहिर है कि लोकसभा के चुनाव सामने हैं, तो हर एक चिंतन उसको विचार में रख के ही होगा ना। अगर संघ और संगठन की बात करें तो भले एक दूसरे से दूरी बना के रखते हो, लेकिन रिमोट संघ के हाथ में रहता है, इस चीज को मानना पड़ेगा पूरी तरीके से। नहीं सर, रिमोट नहीं सर, नहीं नहीं सर, ये समय समय पर नसीहत देती रहती है संघ, इस बात को मानिए। और चाहे देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे किसी राज्य की हो, ये सब जानती है कि संघ के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें ये लोग स्वीकार है ना स्वीकार है सब जानते हैं। संघ को मैं इस बात का श्रेय देना चाहता हूं कि संघ अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और बहुत ईमानदार है। वो जो करना चाहती है इस देश में वो ईमानदारी से लागू कर रही है, जो करवाना चाहे जो उसका मुद्दा रहा हो, बीजेपी को आगे करके या बीजेपी का सहारा लेके जो भी है। रही बात इसकी, आप यदि हम दलितों की बात करते हैं या ओबीसी, जो इस समय पूरा ताना वाना इनका बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले कि क्या होगा 2019 में, मोदी जी का ब्रांड एकदम क्या फुस हो गया, ठीक है अभी, अरे वो तो आप ठीक है, अरे ठीक है, चलिए 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 चलिए, वो बात की बात है। इसके पीछे की आप जेनेसिस पे जाइए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ठीक है, इसके पहले कांग्रेस रही, कांग्रेस ने भी अपने जैसे कर्म किए उनको वैसा सजा मिला, ठीक है, इसके पहले, लेकिन जो हमारे जितनी अभी उम्र है या हमारे बाप दादा की जितनी उम्र है, इतना ज्यादा आपसी मनमुटाव, वैमनस्य और भाईचारा बिगड़ते हुए जितना 4.5 साल में देखा है समाज ने, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो कभी नहीं देखा। 2 अप्रैल की घटना में फिर बार बार पूरा ये घटना नहीं, संकेत है, ये देश की राजनीति बदल देगी। 2 अप्रैल में आपने क्या किया, SC ST एक्ट जो कितने साल से लागू था उस पर राजनीति की जबरदस्ती, फिर आपको वही काम करना पड़ा, जिससे क्या है, आपने वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में वो था, वो पूरा सब उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपने जबरदस्ती की राजनीति की। सेम आप काम कर रहे हैं राम मंदिर मुद्दे पे, और भी अब चाहे जितने शैक्षणिक संस्थानों की बात करें, हर जगह तो आपने इतना ज्यादा दखल अंदाजी कर दिया कि आपसी ताना वाना छिन्न में हम और आपस में कोई दूसरा आदमी पहले जो हंस मजाक के करते विचार बोला था, अच्छा तुम मतलब दूसरी पार्टी के हो, तुम दूसरे पार्टी, राजनीतिकरण राजनीति में ही रहने दीजिए, इस आम जनता में, आज समाज में उसको रोजी रोटी पानी स्वास्थ्य चिकित्सा ये सब चाहिए। ये जो सवाल उठाए हैं इसका बहुत मैं वाजिब इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा कि जी विजय जी से, विजय जी मैं आपसे, हां ठीक है, मैं आपसे इस सवाल
सवाल का जवाब जरा लेना चाहूंगा। हाँ कि सर, ये मेरा सवाल ये है कि दलितों को लेकर के जब सरकार इतना कुछ कर रही है तो आखिर इतनी नाराजगी दलितों को लेकर के क्यों है, आखिर क्यों ये संदेशा जा रहा है? बात की जी, ये दलितों हाँ, की कोई नाराजगी नहीं है हाँ, ये दलितों के सो कॉल्ड चिंतक बीच के नेता जो लड़ाने का काम शुरू से करते रहे, जो दलितों के ठेकेदार बन जाते हैं, वो ठेकेदार जो छुटभैये नेता हैं, सुनने अब बोलना दीजिए, ये दलितों को भड़काने का जो दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं, सुनिए, नहीं ये दलितों के कुछ छुटभैया नेता जो खाई पैदा करते हैं उनको समझाने की जरूरत है। दलित तो है ही है बीजेपी के साथ, उसमें कोई दलित राष्ट्रपति बनाया बीजेपी ने, कैसी बात कर रहे हैं आप? दलित की तो चिंता पूरी बीजेपी को, कानून बनाया चिंतकों की बात नहीं चल पाए। अशोक जी से, अशोक जी अपनी बात पूरी रखिए, एक-एक करके बोली। अशोक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो हमारे जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, जिसको ये दलित कहते हैं, मैं तो दलित अपमान मानता हूँ उनको मानना, तो ये मैं मानता हूँ कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो पिछड़ा बंधु हमारे हैं उनको बराबर लाने के लिए संघ ने सदैव कहा कि देखिए इस देश में आरक्षण तब तक रहेगा जब तक भेदभाव रहेगा इस समाज में। संघ ने यह भी कहा कि एक श्मशान, एक मंदिर और एक पीने का स्थान होगा। सामाजिक समरसता कुंभ हम मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, जब दलितों को और पिछड़ों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है, उनको उनका हक दिलाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आखिर कंफ्यूजन कहां पर है? जल्दी से राजेंद्र जी अपनी बात फिर मुझे अनिल जी के पास आना है। इतनी ईमानदारी है इनकी सोच की, इसके देश के एक राष्ट्रपति जैसा पद जो इतना गर्मामयी है, जब मंदिर बन जाता है तो दलित होने के नाते धकिया दिया जाता है जी। इस पूरा फुटेज से लेकर सब कुछ सर, कुछ सर बिल्कुल नहीं फैलाई है, जनता सुनिए और सुनिए इसके बाद सर, कुछ कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण बताने के लिए काफी रहते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं, आप देश को भ्रमित कर रहे हैं। सच्चाई है ये, आप लोग जिससे जिससे आप लोग बौखला जाते हैं, मैं कहता हूं कि हमारे बंधु इनसे जरा सावधान रहें, ये लोग कम्युनिस्ट हैं, छिपे हुए कम्युनिस्ट हैं, और जो भी इस देश को नुकसान हुआ है ये तथा कथित अर्बन नक्सलियों से हुआ है, और ये उसके विभिन्न रूप है। चलिए अनिल के, सर जल्दी से 32 सेकंड में, जल्दी मुझे अनिल, ठीक है जल्दी से 30 सेकंड सर। इस देश में दलित चाहे कांग्रेस के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, जब तक पिछलग्गू है तब तक इनको कभी ना कांग्रेस को दिक्कत है ना बीजेपी को दिक्कत है। जब दलित कह रहा है कि पिछलग्गू नहीं भैया, हम लोग 85% है एससी ओबीसी मिला के, आप हमको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तब इनके अंदर एक खुलबलाहट हो जाती है कि कैसे आपस में लड़ा। तो आप लोग वोट बैंक की बात क्यों कर रहे हैं सर? सरकार तो इनकी बात कर रही है। एक मिनट, हम कह रहे हैं क्यों वोट बैंक की बात तो आप ही लोग ला रहे हैं। चलिए मैं अनिल के अंकुर जी के पास आ रहा हूं। अनिल बना दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, एक अशोक जी जो दलित को बना दीजिए प्रधानमंत्री। सर जल्दी से बीजेपी, चलिए 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, आप घोषित कीजिए सर, एक एक दलित प्रमुख होगा। आप उस दिन पूरे देश का, आपने देखा सब दलित आपने देखा इसके बीजेपी के साथ है, हम लोग सब साथ खड़े हैं उनके। चलिए आप बताइए कि हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण क्यों रहता है, हम क्यों नहीं विकास की बात करते हैं, उत्थान की बात कर रहे हैं? हां ठीक है, हम राजनीतिक विचारधारा को आगे नहीं आने देंगे जी। डॉक्टर विजय जी, ये आपकी मानसिकता है, ठीक है सर। सर डॉक्टर विजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। डॉक्टर विजय जी, यहाँ पर जब दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने की बात हो रही है तो राजनीति फिर कहाँ से आ गई? सर 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 ठीक है सर, एक एक करके, एक दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अरे देखेंगे 19 साल, देखिए तुम्हारे कहने में नहीं चलेगा दलित। सर ठीक है, सवाल ये है कि मैं दलितों के हितों की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं अनिल के अंकुर जी के पास आ रहा हूँ। अनिल के अंकुर जी रुक जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। अनिल के अंकुर जी, दलितों को लेकर के बात करें, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र जी ने भी कहा कि जो नाराजगी है, जब सरकार एक तरफ इतनी सारी तमाम सारी, करीब में एक जगह पढ़ रहा था 1000 से भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनको उनका हक क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये आखिर कहां पर कमी है, फेल्योर कहां पर है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन तक नहीं मिल रहा है? और 2014 में
जो दलित वोट बैंक था लगभग 23% के आसपास, 2019 में हालात थोड़े से बदलते नजर आ रहे हैं। अनिल जी, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा कि देखिए होता है क्या कि जो दलितों की योजनाएं हैं वो दलितों तक नहीं पहुंच पा रही, ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। अब ये क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए इसका जो मशीनरी है वो मशीनरी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्योर है, जिसके कारण जो योजना बनी और उस समाज के उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई जिसको जरूरत है, जिसके लिए योजना बनी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये योजना गड़बड़ है, योजना नहीं गड़बड़ है, योजना को रेगुलेट करने वाले, योजना को इम्प्लीमेंट करने वाले, उन पर निगरानी रखने वाले लोग कहीं ना कहीं उनका फ्लॉप है। अदरवाइज जो सरकार चाहती है वो कर लेती है, आयुष्मान योजना लॉन्च करने दे कर दी, अब योजना लॉन्च हो गई लेकिन क्या उसका लाभ मिल पाता है? नहीं मिल पाता। अगर मिल पाता होता तो आज कुछ ही नगर में लोग मरीज ना मरे होते। तो निश्चित रूप से ये तमाम डॉक्टर विजय जी, अब सवाल ये कि योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, सरकार की योजनाओं पर किसी भी तरीके का कोई शक कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक मॉनिटरिंग कमेटी, उनकी जो देख रेख है, क्या वो योजनाएं जिनका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, जिन खास वर्ग के लिए जो योजना बनाई गई है, क्या उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है? ये भी तो जिम्मेदारी होगी कहीं ना कहीं सरकार की देखने की। सरकार ने हाँ बेस्ट सिस्टम को लूपहोल बिल्कुल बंद करने के लिए कितने अच्छे तरीके निकाले हैं कि डायरेक्ट बैंक में अकाउंट खोला और डायरेक्ट पैसा जाता है, सब्सिडी का पैसा सीधा जाता है, बिचौलिए बंद हो गए, भ्रष्ट अधिकारी बंद हो गए बिल्कुल। तो जो आपको याद होगा, आप अब एक सेकंड बोलने दीजिए, आप तो दलित चिंतक हैं, ही नेता भी हैं दलित के, एक सेकंड मानता हूं मैं। हां सर, समय बात कर रहे हैं। हां विजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं कह रहा हूं अब सत्य है क्या, ये सत्य है। राजीव गांधी ने जब ये कहा था कि 15 पैसा पहुंचता है, सबसे पहले वही इंतजाम माननीय मोदी जी ने किया कि सबके खाते खोले और खाते में सब्सिडी का पैसा जाता है, बीच में नहीं दिया जाता। गैस का भी यही हाल है, किसान का भी यही हाल है, जो जिसको सुविधा जानी खाते में ही जाती है, मदद खाते में ही जाती है, फीस खाते में ही जाती है। तो सर ये योजनाओं में बड़ी भारी सफलता पहली बार प्राप्त हुई है। और जहां तक आप ये समझ रहे हैं कि दलित बीजेपी के साथ नहीं है, मैं कह सकता हूं कि जो छोटे मोटे नेता जो है ना बीच वाले, जो हमेशा से दलित का इस्तेमाल करते रहे, अभी भी माननीय अशोक जी बात कर, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं चिंतक साहब बात कर जी डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो देखिए इन्होंने ये नहीं बात की कि दलित और बीजेपी और दलित और तरक्की और विकास, इन्होंने क्या बात की, दलित और नॉन दलित के बीच में फिर खाई पैदा करने की कोशिश की, यही बुराई है। इस बुराई को छोड़ दो डॉक्टर राजेंद्र जी, इस बुराई को छोड़ दो। जिन छोटे दलों की बात कर रहे हैं वो सर मेरे सवाल का जवाब, फाइनल कमेंट जी, जो छोटे दल मिलकर के अब महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे, सवाल मेरा ये कि अगर महागठबंधन बनता है तो दलित वोट बैंक किधर जाएगा, बीजेपी या महागठबंधन? ऑब्वियसली महागठबंधन के साथ रहेगा, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। और जहां तक आपको ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप बीजेपी का प्रधानमंत्री, हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठेका तो, अरे ठेका तो मोदी जी ले लिया है हर चीज का, ठेका तो आपके आपके बिल्कुल, हम लोग लेफ्ट को भी गले आते हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि लेफ्ट में भी ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, वहाँ भी प्रतिनिधि थे, जेएनयू के इलेक्शन में नहीं देखा आपने, अम्बेडकर जी आपसे ज्यादा पड़े हैं। लेकिन एक बात तो साफ तौर पर है, अम्बेडकर जी ने कहा है हितैषी, असल हितैषी कौन है? ये दलितों को खुद भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्या करे क्या न करे चुनाव के लिए। मैं अशोक जी से एक फाइनल कमेंट, अशोक जी से फाइनल, अशोक जी क्या ऐसा नहीं हो सकता जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि संघ अपना काम करे, सरकार अपना काम करे? हाँ ठीक है सर, सर समय बहुत कम है सर, कार्य में लगा हुआ है 1925 से और आगे भी लगा रहेगा। संघ राजनीति में भाग नहीं लेता, परंतु उसके स्वयंसेवक भाग लेते हैं, जब चुनाव आता है तो एक नागरिक की हैसियत से वो वोट देते हैं, वो देखते हैं कि समाज में कौन से लोग हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं। और संघ के स्वयंसेवकों ने अपना मन बना लिया है
कि कौन देश का हित चिंतक है। ये 19 का जो चुनाव अगर इस संदर्भ में बात करें तो यह एक तरीके से ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड और देश को जोड़ने वालों के बीच में चुनाव है। चलिए, जो लोग तोड़ना चाहते हैं सवाल वो तोड़ने की बात कर रहे हैं यही पे, और जो जोड़ना चाहते हैं। मैं आपसे जरा जानना चाहूंगा एक फाइनल कॉमेंट सर, सरकार कौन चला रहा है, संघ चला रहा है? अगर चला रहा है तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है सर? अनिल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, क्या सवाल आपका है? सवाल यही है कि सरकार आखिर कौन चला रहा है, संघ चला रहा है? क्योंकि संघ तो बराबर इनकार कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो अगर दखल अंदाजी नहीं कह रहे क्योंकि ये शब्द पर ऑब्जेक्शन आया था, इसलिए मैं इंटरफेरेंस कह रहा हूँ सर, तो ये ज्यादा कुछ बढ़ रहा है। बिल्कुल आलोक जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो बीजेपी गवर्नमेंट जब बनती है उसमें बीजेपी सरकार के जो मंत्रीगण होते हैं वो लाइक ए पपेट लोग वर्क करते हैं, उनका सारा इशारा सारी नजर एम्पायर की तरह उससे वहाँ पर एम्पायर की तरफ होती है, जैसे संघ एम्पायर के रूप में इशारा करें वैसे करेंगे, पपेट की तरह यूज़ करते हैं, जब चाहते हैं वैसा भाषण दिलाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा निर्देश देते हैं, और अगर जो इनकी बात नहीं मानता है, संघ के निर्देशों को नहीं सुनता है, वो कुछ दिनों बाद सरकार और सत्ता से मुक्त हो जाता है और संगठन में जोड़ दिया जाता है, संगठन की सेवा की जा करके बहुत आपने सरकार चला ली। तो संघ का महत्वपूर्ण रोल लंबे समय से चला आ रहा है और इसको नकारा नहीं जा सकता। अब वो नकारा नहीं जा सकता। साफ तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के, अंकुर जी आपका भी, विजय जी आपका भी, और साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल के अंकुर जी आपका भी, अशोक सिन्हा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा के लिए 2019 के चुनाव में एक और बड़ी चुनौती है विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पहले ही उपचुनाव में बीजेपी को इसका नजारा दिखा चुका है। इस तरह से विपक्ष 2019 में एक मजबूत गठबंधन बनाने में सफल रहा, तो 2019 का चुनाव कई मायनों में बेहद रोचक, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। नमस्कार।